नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर नालंदा से है। नालंदा जिले के दीपनगर थाना इलाके में 3 वर्षों तक एक छात्रा को शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसा के शोषण करने वाले प्रेमी और उसके माता पिता पर दीपनगर थाने में पीड़िता ने FIR दर्ज कराई है। दरअसल छात्रा का कहना है कि शिशुपाल युवक उसे प्रेम जाल में फंसा कर 3 सालों तक शादी का झांसा देता रहा और अंततः जब मैं उसके घर गई तो उसने शादी से इनकार करते हुए मेरे बाल खींचते हुए घर से बाहर फेंक दिया। यही नहीं, उसके माता पिता ने भी उसके साथ बदसलूकी की। इधर सदर DSP डॉक्टर मोहम्मद सिबली नोमानी का कहना है कि पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उन्होंने बताया कि देवी सराय इलाके का शिशुपाल नामक युवक और उसके माता पिता के ऊपर FIR दर्ज की गई है। FIR दर्ज होने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मेरा 3 साल पहले से एक लड़के शिशुपाल कुमार से मेरा प्रेम संबंध चल रहा था। बीते कुछ दिनों से 6 महीने से मैं उसे जब शादी करने के लिए बोलती, वो दिलासा दे देकर वो समय काटता गया। जब भी मैं उसे रखने के लिए बोलती, वो मुझे टालता। जब मैं उसके घर कल जब उसके घर गई इस बात को पूछने के लिए, तो वो लड़का कुछ नहीं बोला। उसके माता पिता जब घर में थे तो माता पिता गाली गलौज करने लगे। जब मैं इसका रिप्लाई दी, जब बोली कि आप लोग गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, तो उसकी माँ हमको बाल पकड़ के घर से बाहर धक्का देने का धमकी दी, बोली कि मेरा घर नहीं चढ़ो। मारने की कोशिश भी की। उसके पिता आए, उसके पिता भी गाली गलौज बहुत गंदा किए। जब इस बात को फिर मैं शिशुपाल से बोली कि तुम क्या चाहते हो, तुम बोलो, तो वो लड़का क्या हुआ, वो लड़का मुझे सीढ़ी पर से बाल पकड़कर खींचा, उठा कर फेंक दिया। जब मैं इस चीज़ को फिर से जब थाने जब आने लगी, तो वो मुझे बीच रास्ते से कल घुमा दिया। फिर जब मैं कल शाम में जब मैं कहीं से लौट रही थी, तो उसके पिता 4 लोग के सामने मुझे खड़ा कर बोलने लगे कि मैं पैसा फेंकूंगा, ये करूंगा, तुमको जहां से कोर्ट से थाने से जहां से भी लड़ना है तुम लड़ो, हम 10 लाख खर्चा करेंगे, लेकिन तुमको हम जैसे लड़ना होगा लड़ लेना। फिर भी जब उसको लड़का को बोले, तो लड़का को जब ये बात बोलने गए, कल रात भी घर बोलने गए शिशुपाल कुमार को, तो शिशुपाल मुझे ईंटा फेंक कर मारा, जिसके क्रम में ईंटा फेंकने से मेरे पैर में चोट भी लगी। जब फिर मैं कल रात 11 बजे यहाँ आके आवेदन दी दीपनगर थाने में, तो फिर मुझे आज बुलाया गया और आज केस दर्ज किया गया। क्या नाम लिख दिया? जूही लता। लड़की ने FIR दर्ज कराई है, शायद उसके साथ 3 साल तक प्रेम प्रसंग करने के बाद मारपीट की गई है। और क्या मामला है सर? दीपनगर थाने में उनके पीड़िता के लिखित बयान के आधार पर 78/21 कांड संख्या है, वो दर्ज की गई है। जो शिशुपाल हैं, उनके पिता और उनके माता के अगेंस्ट में प्राथमिकी दर्ज कर हम लोग अनुसंधान प्रारंभ किए हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें आगे कार्रवाई। आरोप क्या है? आरोप पीड़िता ने अपने प्राथमिकी में जो आरोप लगाया है कि उससे जो शिशुपाल हैं उनसे 2-3 वर्षों से उनका कॉन्टेक्ट था और शादी का आश्वासन भी उनके द्वारा दिया गया था। जैसा कि प्राथमिकी में उन्होंने लिखा है कि उनके परिवार के जो माता पिता हैं वो भी आते जाते रहते थे, सारी जानकारियां थी, लेकिन बाद में शादी से मुकर गए हैं, मारपीट की घटना उनके साथ की गई है। अविलंब इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर हम लोग अनुसंधान प्रारंभ किए हैं।